I got a running tab, it's done run away. Sometimes I think I'm whistling past the graveyard. Last night I got so drunk, I didn't even know my name. But the beer is cold and the music's always playing. सब मैं करूंगा टूटूंगा मेरे को वो वाला स्केटिंग आता है वो चार पहिए वाला चार पहिए तो इसमें भी है भाई ट्राई करना एक आगे भी नहीं जा पाऊंगा मैं तो यस गाइस हमारा आज का बहुत बहुत इनसेन डे था आई गॉट टू शूट विद Wesley Fofana and Trevor Chalobah and really enjoyed a lot because they were cool. बहुत मजा आया उनके साथ and especially Wesley Fofana he was full of life और वो तो मतलब literally carried me throughout ऐसा लगा मुझे. It was an experience जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता. Meeting these two guys. Chelsea obviously आना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपना था and I guess मैंने बहुत सारे interviews में इसके बारे में बताया भी है पहले. But finally I got this opportunity where I am here and I am associated with Chelsea in some or the other way and I even get to interview two of their prominent players right now. So dono sala ye mere se young hai ye dono manu mein both are younger than me but height mein to when I was hugging him mere dar aaya mai uske but it was insane fun overall and I'll definitely be watching matches over here wo aage aapko pata chalega vlog mein abhi nahi bata raha main kuch Fofana started following me on Instagram. That was like I skipped a heartbeat over there because unexpected tha. This day will be remembered forever. Nikki looks so tired in my follow. ये हाफ पेंट में जो लोग जा रहे हैं इनको क्या चीज़ का लाइफ में जोश है इनको दुख है इनको पैसा चाहिए इनकी भी भाग गई जो प्रॉब्लम है सॉर्ट करेंगे पर इनको नहीं भाग यार मुझे दुख हो रहा है भाई ये कल से देख रहा है दो दिन से देख रहा है पास की हाफ पैंट में भाग रहे लोग ठीक है इतना स्टड लौंडा भाग रहा था मुझे उसके ख्याल लगा बोला तू तो लड़की भी छोड़ के जा नहीं सकती तू पहना भी नहीं क्यों कपड़े पैसे भी है तेरे पास तू क्यों भाग रहा है अरे कपड़ों में हम जिस दिन लाइफ में ये कर लिया ना हम बोले हम विनर है भैंचो मतलब मैंने जिंदगी का कोई अलग रकम का सुख या दुख देख लिया और मैं 11:30 बजे तक अपना नाक को ऐसे ब्लो कर रहा था कि भाई एक नाक बनती सिर्फ राइट साइड वाली बहुत परेशान किया या जब खड़े होते तो एकदम से खुल जाता है रिलीफ मिलता है खड़ा हुआ पानी पिया आधा बोतल और उसके बाद फिर मतलब सोचो वे गया वॉश बेसिन में फॉरन का ये सही है यार एक तरफ टैप हुआ फट से उधर ही गर्म पानी आता है तो वो किया मैंने और गर्म पानी से भाप ले रहा था नाक में कि खुल जाए आज इसकी बारी लग रही है आज इसकी लग रही है चेंज ऑफ प्लान्स राइट कान बंद होना शुरू हो गया अंदर से ईयरबड ईयर ड्रम दर्द होना शुरू हो गया नेता बनना बंद कर दिया तुम सही में निकाल दिया मैं तुम लोग सही में एक्सचेंज कर रहे हो यार रोज एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पे अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं लेस्टर स्क्वायर लेस्टर स्क्वायर वो देखा है ना दिल वाले दुल्हनिया में ले जाएंगे मैं फर्स्ट सीन जो कबूतर को डाल रहा है मैंने नहीं देखी है पिक्चर DDLJ नहीं देखी है अभी मेरे पास 3.5 घंटे का पेशेंस नहीं है बिल्कुल ओह माय गॉड भाई लंदन आया उसने DDLJ नहीं देखी है लंदन आया और DDLJ अरे तूने मैंने बहुत सारे क्लासिक मूवीज नहीं देखे हैं यू नेम अ फ्यू आई आंसर कभी खुशी कभी गम नहीं देखी है और तो ये भी तो साढ़े बड़ा टोल ना मेरे को थोड़ा वैसा चाहिए थ्रिलर इतनी दूर आके गोरे लोग में देसी लोग दिख रहे कैसा लग रहा है तो अभी मैं गया हूँ यार पहले दूसरे कंट्रीज गया हूँ मैं यहाँ पहली बार आया हूँ बट अभी हम लोग लेस्टर स्क्वायर में हैं एंड जस्ट ट्रोलिंग अराउंड एंड एक्सप्लोरिंग द एरिया वो है वो चाइना टाउन का गेट ये रिक्शा लेना है हाँ रिक्शा लेना है नहीं अभी नहीं अलग ब्लॉग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग के लिए है कि हाउ टू डिवाइड कंटेंट वेरी इंपॉर्टेंट सो वी आर गोना हैव सम फूड थोड़ा चिल करेंगे मैं सीधा आपको मिलूंगा कल अभी मैं जाकर आप सोचो कि मैं सो गया हूँ ठीक है अब मैं सीधा उठ रहा हूँ और स्टैमफोर्ड ब्रिज में मिलूंगा आपको ठीक है गाइस एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना है हम लोग लंदन आने से पहले हम लोग चेल्सी के जो एजेंसी की टीम थी उन्होंने बोला था कि देर इज अ गाय कॉल्ड अर्जुन कालरा फ्रॉम लंदन उसने ही इज अ फ्रीलांसिंग फोटोग्राफर वीडियोग्राफर एंड फिल्म मेकर दे आस्क्ड मी कि वो बंदे को तुम बुला लो एंड ही विल शूट योर व्लॉग्स एंड एवरीथिंग एंड वही शूट कर रहा है अभी हम लोग का प्लान था कि हम लोग कुलॉन करके एक
तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया हमने कि क्विलॉन करके एक जगह है, क्विलॉन नहीं क्विलॉन, बट हमें ये नहीं पता था इंडियन रेस्टोरेंट्स नियर मी, हम लोगों ने टाइप किया एंड इट टर्नड आउट टू बी ताज का कोई, और जैसे हमने ताज का देखा ना कि अब ताज बकिंगम में, वी वर एब्सोल्यूट श्योर कि टॉप लेवल खाना मिल रहा है, हमें बोला था इंडियन टीम भी वही रहती है। तो हम लोग यहाँ के खाया और मैं खा के जब उठा वहीं से टेबल से, तो मैंने अनिवेश को बोला, अनिवेश ये वो फीलिंग है जो गेमिंग हाउस में लंच करके, अरिजी का खाना खा के लंच करके जो नींद आती है ना उसके बाद, ये वो वाला फीलिंग था। फिर हम बाहर आए, जैसे ही बाहर निकले अर्जुन वॉकिंग डाउन, ही वाज गोइंग टुवर्ड्स द ट्यूब बिकॉज हमें 2 बजे स्टैमफोर्ड ब्रिज पहुंचना था, तो अभी 1:38 हो रहा है, हम वही 1:30 को मिले हम लोग। हमने बोला कि हम लोग यहीं पे खाने गए थे क्विलॉन में, तो इसने बोला भाई यहाँ खा लिया तुम्हें तो नींद आएगा। हम बोला क्या मैच किया अभी जो मैंने अनिवेश को बोला कि वो खा के नींद आता है, और क्या फूड था यहाँ का, बहुत मजा आया, पेट एकदम पैक हो चुका है। 35 मिनट्स का रास्ता है, वी आर गोना नाउ टेक अ नैप, एंड मतलब मेरे लिए तो जरूरी है नैप, 35 मिनट नैप, हां भाई इतना लंबा नहीं, छोटा ही रहेगा नैप, बट हां जरूरी है एक, बिकॉज़ ऐसा इतना टेस्टी फूड खाया है ना। बट नाउ वी विल सी यू इन स्टैमफोर्ड ब्रिज। एक्चुअली ये व्लॉग जो है ये स्टैमफोर्ड ब्रिज से ही शुरू होना था, बट बिकॉज़ अर्जुन मिल गया, कोइंसिडेंटली मिल गया रोड पे वॉक करता हुआ, आई एम लाइक कैब में बैठ के शुरू करते हैं, एंड ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना था मुझे। सो नेक्स्ट स्टॉप स्टैमफोर्ड ब्रिज। सो गाइस दिस इज चेल्सी पेंशनर, एक पब बोलेंगे, लाउंज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पब है यहाँ पे चेल्सी का, जो एकदम राउडी ऑडियंस होता है ना, दोज हू कैन नॉट ऑब्वियसली माइट नॉट फाइंड टिकट्स टू गो एंड वॉच एट द स्टेडियम या माइट नॉट बी एबल टू अफोर्ड, वो लोग सब यहाँ आते हैं एंड पूरा हल्ला शोर शराबा करते हैं यहाँ पे आके। और बाय द वे हम लोग उतर क्यों गए आप सोच रहे होंगे, नींद आ रही थी बहुत, पता ही होगा आपने देखा ना, तो स्टारबक्स गए हम लोग, थोड़ा सा कॉफ़ी वॉफी लिया, और हमने सोचा यार 10 मिनट ही वॉक करना है तो वॉक कर लेंगे बाकी का टाइम। बट अभी तो हम लोग गेट नंबर 1 पे पहुँचे हैं, एक ब्रिटानिया गेट करके है जहाँ हमें जाना है, वी आर गोना मीट टू अदर पीपल ओवर देयर, एंड उसके बाद हमारा पूरा स्टेडियम टूर, म्यूजियम, चेल्सी स्टोर एंड द गैलरी, द ड्रेसिंग रूम, सब होने वाला है, बहुत मजा आएगा, क्रेजी शिट। अनिमेश क्या ख्याल है चेल्सी का गेट देख भाई? मैं एज अ फुटबॉल फैन, मैं तो पहला बार किसी फुटबॉल स्टेडियम पे जा रहा हूँ, तो इट्स लाइक अ प्रिविलेज टू वॉच दिस, एंड आई एम लाइक सुपर एक्साइटेड। ड्रेसिंग रूम मैं पहली बार किसी भी स्पोर्ट में देख रहा हूँ, सो दैट इज इवन बेटर, वाओ सुपर एक्साइटेड। यहाँ पे देखो पूरी जगह फ्लैग लगे प्लेयर्स, सब जगह मतलब पूरे रोड पे लाइक एवरीवेयर किसी चेल्सी प्लेयर का एंड प्राइड ऑफ लंदन लिखा हुआ है वहाँ पे। दिल में धक धक हो रहा है क्या? फुल धक धक हो रहा है। बाय द वे मैं और थग अपने लिए प्रिंट भी करवाने वाले एक एक जर्सी। आई गेस ही अंदर के लोअर टीयर स्टैंड का गेट है, ग्रेट एंड नाम बाउरिल गेट, क्या एटमॉस्फियर, फर्स्ट टाइम एवर, इनसेन कैसा लग रहा है फाइनली, दिस इज लाइक द एक्चुअल ड्रीम कम ट्रू, जो मुझे स्टेडियम में जाकर हमेशा से देखा था, आज पहली बार वो फुलफिल होने वाला है। आज वैसे स्टेडियम टूर है तो दिस इज अ सेपरेट, आई एम नॉट ऑब्वियसली मैच कल है, मैं आज सिर्फ द एंटायर स्टेडियम उसका टूर लेने वाला हूँ, एंड आई एम गोना विटनेस लाइक क्या बोलूँ उसको, रेस्ट्रिक्टेड प्लेसेस जहाँ पे मैं प्रिविलेज्ड हूँ वहाँ जाने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। और चेल्सी वाले ही लेकर जा रहे हैं, इट्स नॉट अ जनरल लाइक टूर, इट्स नॉट समथिंग जो पॉसिबल है, इट्स जस्ट दैट मिल गया वो अपॉर्चुनिटी अब मुझे। ये तो लेके जाएगा यहाँ से, तो मैं तो उठा रहा भाई। सो हुडीज एंड जैकेट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू बी फाउंड इन इंडिया, शॉप्स पे भी नहीं मिलता है यूजुअली, यू हैव टू गेट इट प्रिंटेड, वैसा सब माल मिल जाता है, लेकिन यार वी आर एट चेल्सी मेगा स्टोर, अब यहाँ से तो बूम उठाना है लोगों, मैं तो फुटबॉल स्टड्स भी उठा लूंगा यार रखने के लिए सिर्फ। टीम साइन, ओहो क्रेजी, सो दिस इज लाइक द एंटायर, ऑलमोस्ट द एंटायर टीम, सबका जर्सीज है ओवर देयर, ओवर हियर, देयर न्यू कलेक्शन बाय द वे जो अभी आया है मार्केट में, एंड दिस इज द वन, टी शर्ट्स एंड शर्ट्स से ज्यादा मुझे हुडीज एंड जिपर्स पसंद है। आई थिंक ये वाला जो कलेक्शन है इसमें से आई एम डेफिनेटली गोना गो फॉर अ जिपर, बिकॉज यही सब चीज़ मैं देखता था, मिलता नहीं था, एंड बाय द वे दे टोल्ड मी दैट दिस इज द न्यू कलेक्शन विच हैज कम अप, आई विल डेफिनेटली गो फॉर दिस वन, एंड मैं एक मैचिंग
ट्रैक पैंट्स लूंगा तो इट्स रियली कूल आई लाइक द कलर स्कीम ये तो अभी शुरुआत है जस्ट सेइंग नाइक ने साथ ही शॉर्ट लिस्ट करके रखा जो आई थिंक यू कैन बाय आई एम नंबर दिस इज माय फर्स्ट परचेस नमन माथुर यूजुअली शॉपिंग नहीं जाता लेकिन दिस वन आई ऑलरेडी हैव सो मैं लाइक ब्लू वाला नहीं ले रहा बिकॉज़ है मेरे पास पहले खूब लोगों को चाहिए था ना ये देखो बे देखा मैं गाइस आई एम टेलिंग यू मेरे को सॉरी बट आई विल क्रैश माय फाइनेंसेस फॉर दिस प्लेस मैंने अपने लिए एक पेन लिया है ये भी ले ले ओ एक और पास जगह कम पड़ रही है गाइस कुछ नहीं छोड़ा भाई ने कुछ नहीं छोड़ा और एक और चीज भाई ये ले ये वाला borussia.men का स्पेसिफिक स्काफ है या ये बहुत या तो यादगार होगा अच्छा अभी यादगार तो होगा ही अभी समझा मैं कॉन्टेक्ट हो गया ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर हो गया ग्राउंड फ्लोर अब ऊपर जा फर्स्ट डिवीजन चैंपियनशिप फोर से लगा स्टोर में फोर से लगा 2012 एंड 21 यहां एंग्रेव्ड है ऑलरेडी क्या सिग्निफिकेंस है इस साल का 21 I had मतलब वापस से you know tears in your eyes हाँ वो था वो तो देखा ही है लोगों ने bro जन्नत है ये जन्नत और खत्म ही नहीं हो रहा भाई इतना लंबा है gym पहन के जाऊंगा ये सब workout करने के लिए I'm getting myself gym gear ऐसा लग रहा है how are you bro back from India I'm Indian as well how are you good how are you मैं सोचा था मैं तुम्हारा पोस्ट देखा उस पे ग्रुप पे अच्छा। वो फुफाना और इसके साथ में चालो के साथ में हाँ। राइट शर्ट भी प्रिंट करवाया अभी कराएंगे बाद में मुंबई में तो देखा नहीं कभी ऐसे मिलने मुझे लगा नहीं था होगा करके मैं भी ब्रेक से आया इसका फोन बोला कि मैं इसने जानबूझ के बोल रहा हूँ इसने बोला कि मैं फोटो तभी खिंचाऊंगा मेरा नाम बताओगे चेल्सी वेलकम यू थैंक यू हैव वी गॉट एनी चेल्सी फैंस हियर टुडे यप टू ऑफ अस कम ऑन थ्री ऑफ अस चेल्सी फैंस यस वेरी मच दे डोंट टू मच वेयर आर यू आई एम चेल्सी हंगरी गो यू रेडी टू स्टार्ट यस कम ऑन गो लेट्स गो माय टेक मी ऑल अराउंड टू thinking places where you spend your time ain't no place I'd rather go if only did it better I love you so well take a ride in so ye jo light show ho raha hai ye wo chal raha hai like it's like a demo going on right now this is for the borussia dortmund match ye light show hoga tabhi chelsea fans kerala oh yeah there it is shout out yahan pe jo seating arrangement hai this is for the journalists and the press yahan pe right side mein aap niche dekh sakte ho is where the away team sits jo substitutes coach manager and all jo hote hain wahan baithte hain chelsea ka on the left of the dugout this is like yahan pe tv lage hain and all yahan pe baith ke journalists apna report likhte hain match ka It's usually busier when it's a UEFA Champions League match because इन्होंने बोला कि European journalists भी आते हैं तो पूरा भर जाता है ये जगह. Okay, guys, I'm sure many of you recognise this room here. Yes. Have you seen it before? Yes. This is of course the Chelsea press room. This is where you find the managers after the matches talking to the press. Graham Potter is in here after every home game, and the away team as well will be down here tomorrow. Before the match, over there, that door is where the press will come through. 2 hours before the game, we have a buffet of food on the tables for them. Over here, a free bar, which sounds very exciting. No alcohol served. So this is the entire timeline of Chelsea FC ever since, like this Stamford Bridge has been there, 1905 से लेके present तक सब कुछ यहाँ पे timeline में लिखा है. उसी जगह बैठा जहाँ पे Chelsea legends have been sitting. ये by the way पूरा room है उन लोगों का यहाँ buffet system होता है जहाँ पे. वहाँ पे उनका bar है, but वहाँ पे alcohol नहीं होता है बिल्कुल. वरना बोला इन्होंने पहले रखते थे क्या और फिर कोई जाता नहीं था ऐसा हो जाता था You got matching jackets? Oh no, you got a matching scarf and jacket. We like that accessorizing. Hi. Hi. उसको देखना ही नहीं है नहीं मैं खड़ा रहूंगा देखो और कोई प्लेयर का देखना ही नहीं है मेरे को लाइक होम जाना है वो मेरा फेवरेट जर्सी है जस्ट सेइंग यहाँ पे सारे जर्सी लगे हुए हैं अवे टीम वालों के ऑल दोस प्लेयर्स बाकी के मालदीनी अरे मस्ती कर रहा यार ऐसा नहीं है एडन हजार्ड बेंजेमा मॉड्रिच रोनाल्डिनो मेस्सी मालदीनी ये लोग सब हैं गाइस रोनाल्डो का जर्सी जस्ट लुक एट दैट रोनाल्डो का जर्सी मेस्सी का जर्सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो Mr. Messi. Yeah. You know that celebration?
Never been seen at Stamford Bridge. Zero goals here. Never scored, never will be. Ronaldo always sits here when he comes to Chelsea. What do you think? What does he sit here? His best friend. Alright guys, this is the Chelsea ka changing room. This is the home side dressing room. And yeah, आप देख सकते हो सारे नाम दिए गए हैं. चुको है मैं का फोफाना, follow me on Instagram. मुड्रिक, कैसे pronounce करूँ इसमें? मैड्रिक. मैड्रिक है. मैड्रिक. मुड्रिक. गैलेगर. लॉफ्टस चीक. माउंट. जेम्स. चिल्वेल. स्टर्लिंग. पुलिसिच. So basically यहाँ पे फ्रैंक लैम्पार्ड and all बैठते थे. This is where they used to sit. Frank Lampard, John Terry and all. Then came the French, Kante. But यहाँ पे पहले बहुत सारे Spanish names होते थे alongside Azpilicueta, Cucurella. पहले होते थे यहाँ पे Fernando Torres, Juan Mata, Fabregas. ये सब होते थे. Here we have Kovacic, Havertz, German, Aubameyang, Ziyech, Enzo, João Felix, Thiago Silva, Rothschild, Koulibaly, Mendy, Kepa and चलो. Oh, Bettinelli. वहाँ पे इंजर्ड प्लेयर्स का ट्रीटमेंट होता है. बट यस, दिस वाज द टू फॉर ऑफ द होम टीम चेंजिंग रूम. That is the director's box over there. Beach के जो दो boxes हैं उन सारों में से वहाँ पर the owner obviously he'll be seated over there tomorrow. And I don't know मुझे वो opportunity मिलेगा कि नहीं उनसे मिलने का, but he'll be around. That's something I'm pretty sure of. So this is Stamford Bridge, but this is the old one before renovation. This was in the early 90s. So the cars here with if you were disabled. Okay. You used to have the small cars for the disabled people. And they used to have to, they could drive in and park by the pitch. Wow. And watch the game from the car. Awesome. Wow. How cool. This is quite a long time ago, because as you can see, it was £2. So this is a long time ago. This was when I had hair. It's that long ago. Well, mera second all-time favorite player and my favorite goal of all time, Didier Drogba's header against Bayern in the 88th minute in 2012. And ye matlab wahi wala photo hai, like the cup he was holding. जर्सी पे मेरा नाम प्रिंट कराना है नंबर विद द नंबर 12. नॉट एट टॉप जी गाइस. तो इज द गाय, ही इज फ्रॉम इंडिया. मुंबई से ही हो आप? नहीं, मैं जालना से हूँ, बहुत स्मॉल सिटी से हूँ. ओके. मैं जानता हूँ आपको क्योंकि मैं आपके पबजी के कंपटीशन देखता था. अच्छा. थक भैया गुस्सा हो गए. थक भैया का नाम पहचाना ही नहीं मैंने. क्या बुलाया था? ब्लैक मांबा. It's time. देखना प्रिंट कैसे होता है. क्या बात है, परफेक्ट. ASMR. अनबॉक्सिंग. क्या बात है. थैंक यू सो मच. डन गाइस. दैट इज द बेस्ट प्रिंटर इन चेल्सी. आज से ब्लैक मांबा. So, my printing ho chuka hai jersey pe, home jersey pe finally. And with this I'm gonna be ending the vlog. The entire stadium tour comes to an end and I hope you guys got some information and you guys enjoyed. But until next time, do not forget to drop a like, share and subscribe. Bye guys.